ఇండియా కూటమి పూర్తిగా అవినీతిలో కూరుకుపోయిందన్నారు కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా. కూటమి నేతల దగ్గర 12 లక్షల కోట్ల అవినీతి సొమ్ముందన్నారు. జార్ఖండ్ లో మంత్రి సహాయకుడి ఇంట్లో 30 కోట్ల అక్రమ నగదు దొరకడం అక్కడి ప్రభుత్వ అవినీతికి నిదర్శనమన్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్లో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు అమిత్ షా. బెంగాల్లో మమతా బెనర్జీ అవినీతి దందా నడుపుతోందని ఎద్దేవా చేశారు. టీఎంసీ మంత్రుల ఇళ్లలో 50 కోట్ల అవినీతి సొమ్మును అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారని చెప్పారు. ఈ అవినీతి సొమ్మును లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఉపయోగించడానికే దాచిపెట్టారన్నారు షా. ये ममता दीदी को निमंत्रण भेजा गया था, भतीजे को भी भेजा गया था, परंतु वो लोग नहीं गए. आपको मालूम है क्यों नहीं गए? मालूम है दुर्गापुर वालों? मैं बताता हूं, वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं. उनकी वोट बैंक कौन सी है मालूम है ना आपको? है या नहीं है? एक घुसपैठ कर जो आए हैं ना, वो उनकी वोट बैंक है. इससे ममता दीदी डरती है. भाइयों बहनों मुझे बताओ, जिन्होंने वोट बैंक के डर से राम का बहिष्कार करा, दुर्गापुर वाले उनको वोट डाल सकते हैं क्या? जोर से बोलो, डाल सकते हैं. भाइयों बहनों, यहां के मजदूर यूनियनों पर टीएमसी का राज है. गरीब मजदूरों की मजदूरी की उगाही कर टीएमसी के गुंडे भतीजे को देते हैं. एक बार दिलीप दा को जिता दो, ये गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी. भाइयों और बहनों, दीदी यहां 15 दिन से कैंप कर रही है कि दुर्गापुर में भाजपा को हरा दे. दीदी मैं आपको चैलेंज देकर जाता हूं, 15 दिन छोड़ो, पूरे 5 साल यहां रह लो तो भी दुर्गापुर नहीं जीत पाओगी, नहीं जीत पाओगी. भाई और बहनों, इंडस्ट्रियल टाउन दुर्गापुर में दीदी ने एक नया धंधा, नया इंडस्ट्री खोला है, अपराध का इंडस्ट्री. ये अपराधियों के कारण कोई यहां पर कुछ नहीं कर सकता. 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार किया है. ये बंगाल के दीदी के मंत्रियों के घर से 50 करोड़ रुपया कैश मिलती है. झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिली, 350 करोड़ रुपया रोकड़ा. और आज कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है. भाइयों 30 करोड़ रुपया, मुझे बताओ, जिन्होंने गरीब बंगाल की